राजस्थान बैंगल्स में, क्योंकि अभी हमारा फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, जिसके हिसाब से ना यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैरायटी आई हुई है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कुछ फेस्टिव कलेक्शन और बहुत ही रीजनेबल रेट पर। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस होती है 35 से 40 रुपए में, लेकिन अब यहाँ की जो स्टार्टिंग प्राइस है ना वो हो गई है जस्ट 20 रुपीज। तो यहाँ से आप 20 रुपए के अंदर अपने लिए यहाँ से आप बैंगल्स खरीद सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस मैंने आपको बता दी है 20 रुपीज हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपकी बात करा देती हूँ यहाँ के ऑनर से। लेकिन अगर अभी तक आपने ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जिन लोगों ने ना मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है ना, वो पहले वाला वीडियो जाकर देख लेना, उसका लिंक ना मैं आपको नीचे शो कर दूंगी। ये है यहाँ के ऑनर, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अक्रम गौरी है। अक्रम गौरी, आप इनसे पहले वाले वीडियो में भी मिल चुके हैं, तो भैया आज आप किस टाइप का कलेक्शन यहाँ पे दिखाने वाले हैं? आज दिखाऊंगा आपको कांच में और ग्लास में, और आपको कलीरे और सुहाग चूड़ा। अच्छा, लाख में इस बार मैं आपको कम दिखाऊंगी, लाख मैंने पिछली बार बहुत दिखा दिया था आपको, ठीक है, लाख में कम आते हैं डिजाइन, तो आज जैसे मैं आपको इन सब में आइटम दिखाऊंगा। अभी मेरे पास सबसे ज्यादा जो आइटम है वो है सुहाग चूड़ा और आपका ये कांच के अंदर आएगा। हाँ, क्योंकि अभी करवा चौथ और ये आने वाला है दिवाली, इसके दिवाली आने वाली है, इसमें सबसे ज्यादा कांच बिकता है, तो अभी मेरा मेन फोकस कांच पे ही है। और मैंने कांच की ही बहुत वैरायटी मैंने रखी है कांच की और सुहाग चूड़े की, मैं आपको दिखा दूंगा वो वाली वाली। अच्छा, तो जिसकी स्टार्टिंग प्राइस भैया? मैं आपको कांच के अंदर स्टार्टिंग 20 रुपीज से आपको स्टार्टिंग दे दूँ। अच्छा, कांच में और ब्रास में इन सब में आइटम आपको मैं आपको 20 रुपीज से स्टार्टिंग दे दूँ। ठीक है, तो कांच में और ब्रास में आपको 20 रुपीज से स्टार्टिंग मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट हो रहे हैं भैया? मैं ऑनलाइन ऑर्डर तो अभी नहीं ले पाऊंगा। हाँ, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स वगैरह से आ रहे हैं, काम का लोड बहुत ओवरलोड है। अच्छा, तो मैं अभी आपका मतलब ऑनलाइन नहीं कर पाऊंगा, व्हाट्सएप वगैरह वीडियो कॉल्स वगैरह। और आप उसके बाद भी जैसे अगर मेरा ऑफ सीजन भी हो और आपने मेरे को बोला व्हाट्सएप या वीडियो कॉल, पहली बात हम व्हाट्सएप डिजाइन करेंगे नहीं, सिर्फ वीडियो कॉल्स पे आपको डिजाइन दिखाएंगे। ओके, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर देना लेना चाहते हैं तो मिनिमम 10,000 रुपीज का। तो फेस्टिव सीजन के बाद अगर आप ऑनलाइन यहाँ से परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 10,000 का मिनिमम ऑर्डर रहेगा और वीडियो कॉल आपके लिए अरेंज हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई शॉप पे विजिट करता है तो आप कितने तक का ऑर्डर लेते हैं? वो तो कोई नॉर्मल ही है, 2,000-3,000 से स्टार्ट, मतलब जितना भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए होलसेलर मेरी शॉप पे चढ़ेगा, जिसको अपनी शॉप के लिए वो चाहे एक डब्बा लेके जाए चाहे 100 चाहे 1,000 डब्बे लेके। ओके ओके, तो आप शॉप पे आएंगे तो आप कितने का भी यहाँ से सामान ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन 10,000 का ही मिनिमम ऑर्डर है। लेकिन फेस्टिव सीजन के बाद आज सबसे पहले आप कौन सा कलेक्शन दिखाएंगे? मैं अभी सबसे पहले आपको कांच के अंदर वेरायटी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी सीजन मैंने आपको बताया अभी करवा चौथ और दिवाली आने वाला है, सबसे ज्यादा कांच और सुहाग चूड़ा बिकेगा। तो ठीक है, मेरे पे कांच का इतना ओवरलोड काम था और इतनी वैरायटी हो चुकी है मेरे पास कांच के अंदर कि मैं खुद ही रखना मेरे को बहुत झमेला सा लग रहा था, इसी चक्कर में मैंने एक शॉप और ली है अभी। अच्छा, मैं उसकी अभी 1 तारीख को ओपनिंग करूंगा, 1 सितंबर को, और उसके अंदर आपको कांच ही मिलेगा करवा चौथ तक। अच्छा, ठीक है, करवा चौथ के बाद मैं आपको करवा चौथ से पहले स्टार्टिंग में आपको चूड़ा भी मिल जाएंगे, बाकी मेन मैं उसमें आपका कांच और सुहाग चूड़ा उसके वेरायटी में आपको वहीं दिखा पाऊंगा, बाकी अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ क्योंकि ओपनिंग अभी 1 तारीख को है, तो अभी मैं आपको यहाँ डिजाइन दिखाता हूँ, डिजाइन बहुत सारे हैं और मैं आपको कुछ डिजाइन से जो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा कलेक्शन भैया आप हमें दिखा दीजिए। चलिए, कलेक्शन दिखाने वाले हो सबसे पहले? मैं आपको सारी कलेक्शन दिखाऊंगा। अच्छा, अभी मैं आपको सबसे पहले ब्रास में आइटम दिखाऊंगा। और स्टार्टिंग प्राइस क्या रहेगी? मेरे पास ब्रास में कांच में से मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि मेरे पास 35-40 से स्टार्टिंग रेंज है। हाँ, तो मेरे कस्टमर्स ने कहा हमें और सस्ता चाहिए, तो मैंने इस टाइम आपको हर चीज के अंदर 20 रुपीज से स्टार्टिंग कर दी है। अच्छा, ठीक है, अब मैं आपको ब्रास में आइटम में दिखाता हूँ। अच्छा, तो अभी यहाँ पे जितने भी बैंगल्स दिखाओगे आप, चाहे वो कांच के हो, लाख के हो, ब्रास के, उन सबकी प्राइस 20 रुपीज रहेंगी। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो अभी फेस्टिव कलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, उसके हिसाब से आपके पास कलेक्शन है क्या? मैडम बिल्कुल, बहुत सारा कलेक्शन है, डेली कलेक्शन चेंज भी होता है, बहुत कलेक्शन आता है जाता है, डेली डिजाइन्स आते हैं। अच्छा, तो फेस्टिव सीजन आने वाला है, जिसके हिसाब से भैया आज मुझे यहाँ पे डिजाइन दिखाएंगे, तो चलिए डिजाइन्स कुछ देख लेते हैं। ब्रास के बैंगल, तो भैया ने मुझे पहला ही बैंगल दिखाया है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, पिंक कलर में ये बैंगल है, बताओ यार। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टोन है, ये 4 नंबर है, तो कस्टमर कहता है कि हमें शेडो भी हल्की छोटी दो, क्योंकि शेडो जो आई है क्रिस्टल, ये बड़े आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो हमने इसके अंदर शेडो भी ओरिजिनल लगवा के और छोटी लगवाई है, ताकि डिजाइन के अंदर आप डिजाइन देख सकते हैं साइड से कितनी अच्छा है। और ये काला तो नहीं पड़ेगा ना भैया? नहीं नहीं, ब्रास कभी काला नहीं पड़ता, कभी काला नहीं पड़ेगा नहीं। और आप ये देख सकते हो ये जो शेडो के जो ये लगवाया है भैया ने, जो शेडो लगवाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ और जूम करके, ये बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में लगी हुई है। अभी देखिए शेडो में फ्लावर,
ये बहुत यूनिक आइटम है, बहुत अच्छी डिमांड है इस आइटम्स की। जो मैं आपको अभी आइटम दिखाऊंगा, टोटली आइटम नहीं दिखा पाऊंगा अभी भी, मैं आपको कुछ आइटम दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। ये भी देखिए कितनी प्यारी आइटम है। अभी जितना भी कलेक्शन भैया आपको दिखा रहे हैं ना, वो सारा का सारा फेस्टिव कलेक्शन आपको दिखा रहे हैं भैया, क्योंकि अभी हमारे त्योहार आने वाले हैं। दिवाली है, करवा चौथ है, नवरात्र है, ये सारे त्योहार अभी आने वाले हैं, जिसके हिसाब से भैया कलेक्शन दिखा रहे हैं। अभी देखिए जैसे झुमकी के अंदर कस्टमर मांगते हैं झुमकी, एक मैंने पिछली वीडियो में फुल झुमकी दिखाई थी, और इसमें कस्टमर ने थोड़ी कम झुमकी चाहिए, तो कम झुमकी के अंदर भी ये देखिए क्रिस्टल लगवा के शेडो लगा के आइटम मैंने आपको दे दी, जैसे आप ये देख सकते हैं। अब आइटम की फिनिशिंग देख लीजिए, आप किसी भी चीज में देख लीजिए, अब आइटम आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सोबर आइटम है और सबसे बारीक स्टोन। अच्छा भैया, इन सब में कलर्स और डिजाइन मिल जाएंगे क्या? कलर्स वगैरह अगर किसी को चाहिए? टोटली कलर्स और डिजाइन टोटली अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, और साइजेस भी सारे रहेंगे, सारे रहेंगे एक बॉक्स के अंदर। अच्छा, अब ये देख सकते हैं, देखिए सब शेडो वाली आइटम है ये। आजकल शेडो काफी इन है, उसी हिसाब से सारे बैंगल्स हैं। ये सब ब्रास में, गोल्डन मेटल, सब टोटली ब्रास। पहली बैंगल मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है, ये उसी के सारे कलर्स हैं, ऑलमोस्ट 16-17 कलर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं आपको 16 कलर शो कर रही हूँ, सारे के सारे इंडियन कलर हैं और ट्रेंडी कलर्स हैं। अभी तक मैंने आपको दिखाए थे ब्रास के अंदर कड़े में आइटमें दिखाई थी, अब मैं आपको बैंगल्स में आइटम दिखा देता हूँ ब्रास के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में लटकन वगैरह दिखाई थी, इस वीडियो में देखिए मैं बारीक चूड़ी है, देखिए ये डिजाइनिंग वाली मेटल वाली जो आजकल चल रही है सबसे ज्यादा, ये देखिए। हाँ, ये सारा कटिंग वर्क में है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, कटिंग वर्क में है। अब ये देखिए, और ये जो फिगर है ना, ये भी शेडो से ज्यादा अच्छी है फिगर है, क्योंकि ये एक्चुअली एडी के अंदर ज्यादा चलती है। अच्छा, एडी के अंदर लगकर आती थी पहले ये, बट अभी बैंगल्स पे आने लगी है। इसमें भी मैं आपको इतनी वैरायटी दे दूंगा कि शायद ही कोई आपको दे पाएगा, जैसे आप ये आइटम देख सकते हैं। मैंने चूड़ी पर भी शेडो लगवाई है, जो कि क्रिस्टल बोला जाता है इसको, आप आइटम देख सकते हैं। और ये भी वही मेटल है, कटिंग वाला मेटल। अच्छा अच्छा, अब जैसे लोग शेडो ज्यादा करते हैं कि हमें शेडो में आइटम ज्यादा चाहिए, तो ये लीजिए, मैंने शेडो का स्टोन के अंदर पूरी आइटम उतरवाई है, ये देख सकते हैं आप आइटम। एक सेकंड अपना, हाँ, ये स्टोन नहीं है, ये शेडो है टोटल। अच्छा, और ये देखिए रेनबो कलर, ये निकलता तो नहीं है ना? नहीं, इतनी जल्दी कोई भी नहीं निकलता ये आइटम। ये देखिए, ये भी वही मेटल, ये देख सकते हैं आप, ये भी शेडो है, टोटली शेडो है। अच्छा, बैंगल्स पे देखिए, ये आपको अगर लग रहा हो ना कि अगर इसके ऊपर ये कुछ कुंदन का काम है या फिर कुछ स्टोन लगे हुए, स्टोन वगैरह नहीं है, सारा का सारा काम शेडो का है, जो कि क्रिस्टल कहा जाता है, जो कि क्रिस्टल कहा जाता है, भैया ने बताया। अभी आप आइटम देख सकते हो, इसमें मेरे पास बहुत सारे डिजाइन है जो कि मैंने ऑन कर, ये देखिए आप, हर तरीके की शेडो आती है, और टोटली आइटम्स ये देखिए मैंने इसके अंदर बनवा रखी है। ये देख सकते हो आप, पहले वाले जो बैंगल थे उसमें कटिंग में थोड़ा फर्क था, और इसमें भी थोड़ा कटिंग में फर्क है, डिजाइन में फर्क है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। और ये देखिए, ये भी मेटल वही है, कटिंग वाला मेटल, गोल्डन मेटल है, कभी काला वाला कुछ भी नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर लग रहे हैं ये वाले बैंगल्स भी। कलेक्शन दिखाने वाले आप, मैं अभी आपको कांच में आइटम दिखाता हूँ, कांच में आइटम देखिए मेरे पास, ये टोटली कांच में फ्लावर है, सबसे ज्यादा डिजाइन चलने वाला है ये। अच्छा, ये देखिए, और कलर भी रेड है, तो फेस्टिवल कलेक्शन सारे में टोटली आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। नहीं, जैसे फेस्टिवल आने वाले हैं तो उसमें रेड कलर ज्यादा इन होता है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उस हिसाब से कलर ये रेड है, ये देखिए, और कांच के अंदर ये भी बारीक स्टोन में देखिए आइटम, क्योंकि बारीक स्टोन सबसे ज्यादा कस्टमर डिमांड करता है, बारीक काम, क्योंकि बारीक काम क्या है, कारीगर भी करता नहीं है ज्यादा जल्दी, और आइटम हैवी होने की वजह से कोई मतलब शॉप वाले रखते भी नहीं है इस आइटम। अभी देखिए आइटम, मेरी आइटम ही आपको ज्यादातर बारीक में ही मिलेगी। ये देखिए फ्लावर्स के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्लावर्स सबसे ज्यादा डिमांडिंग पे है, और ये मल्टी कलर में है बैंगल, ये देख सकते हो आप कि एक ही बैंगल से आपका सारा काम होने वाला है। ये इसमें कलर्स भी बहुत प्यारे लगे हुए हैं, सारे इंडियन कलर हैं, रेड, ग्रीन, येलो। ये देखिए, ऐसे मैंने आपको आइटम दिखाई है, और दिखाता हूँ जैसे आपको आइटम्स में, ये देखिए, ये पचेली में हो गया, और जो मैंने भी आपको बताई थी ये एडी के ऊपर काम होता है, ये वाली फिगर का, ये फिगर का काम, जैसे एक ढालू बोलते हैं इसको, ढालू टाइप में कड़ा है ये, आप देख सकते हैं कांच के अंदर टोटली सब में कलर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अच्छा, जितना आपको कलर चाहिए होंगे, बाकी आपको कोई पर्सनली कलर भी बनवाना है तो ऑर्डर है आपका, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको वो भी कलर आपका अवेलेबल करवा दूंगा। तो कस्टमाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप कलर, साइज, डिजाइन में कुछ भी कस्टमाइजेशन यहाँ पे करवा सकते हैं। जैसे कि आप ये आइटम देख सकते हैं, अब ये देखिए फ्लावर्स में क्रिस्टल,
क्योंकि ये दोनों ही आइटम बहुत फैंसी है। फ्लावर भी सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्रिस्टल भी सबसे ज़्यादा, इसको हम शेडो बोलते हैं। अब आप ये आइटम अगर आप लाइव देखोगे ना तो आपको पता चले कितनी खूबसूरत आइटम है ये। अब ये देखिए आइटम, टोटल ये भी यही आइटम है और सब बारीक स्टोन पे बारीक आइटम है, टोटली कांच पे है आइटम। अच्छा। मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ सिर्फ कांच दिखा रहा हूँ अभी आपको मैं। ये 5 से 6 बैंगल्स को जोड़ के बनाया ना भैया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे जोड़ के 4 मतलब 4 बैंगल्स लगती है। अच्छा, अच्छा। फिर एक कड़ा बनता है ये। अच्छा, फेस्टिव कलेक्शन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैंगल्स आप देख सकते हो। ये ब्रॉड कड़ा है, इसमें भी मेरे पे बहुत सारे डिजाइन है, बहुत डिजाइन है। मैंने आपको बताया कि मैं कांच की वैरायटी के चक्कर में मैं यहाँ पूरी नहीं कर पा रहा था, इतनी वैरायटी होने के बाद कस्टमर भी कभी मतलब कस्टमर कहता है भैया कैसे देखूँ मैं। तो मैंने इसी चक्कर में एक दूसरी शॉप ली है, उस पर आपको मैं 1 तारीख को ओपनिंग करूँगा, तो मैं वहीं पर आपको कांच में आपको ज़्यादा वैरायटी दिखा पाऊँगा। अब ये देख सकते हैं आप कांच के अंदर चूड़ियाँ, जैसे झुमकी ग्राहक मैंने आपको बताया था झुमकी मांगता है तो कड़े कड़े पे क्यों, मैंने कहा चूड़ी पे भी होनी चाहिए, तो मैंने इस चूड़ी पे आइटम झुमकी लगवाई है। आप देख सकते हैं आइटम, और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टोन नहीं है, ये शेडो है, ये जो ऊपर वाला है जैसे ये देखिए ये स्टोन और ये शेडो है, इसमें आपको फर्क नजर आ रहा होगा। मैंने ये भी फैंसी आइटम्स के अंदर आपके लिए आइटम में बनवाई है, ये देखिए आप आइटम, और ये टोटली कांच पे है, एकदम सिंपल सोबर कड़ा। ये सिंपल सोवर, और सबसे अच्छी चीज बताऊं आपको, ये नीचे कांच और ऊपर लाख है। अच्छा। जो कि टूटते ही ये भी टूटे और ये भी टूटे, ये वो वाली आइटम है जो लाख जो लेडीज पहनती हैं कि हमें लाख ही पहनना है, तो कांच के ऊपर लाख लगवाया है, और इसमें भी आपको बहुत कलर मिल जाएंगे। इसके तो कलर मुझे खुद ही नहीं बताऊंगे कि इसके टोटली अवेलेबल कितने हैं कलर, तो एकदम यूनिक डिजाइन और एकदम अलग से वैरायटी, डेली यूज की आइटम। एक चीज दिखा देती हूँ, यहाँ पे ना एक भैया आए हुए हैं जो इस टाइप के ये बैंगल्स देख रहे हैं, दिल्ली वाले। और भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं पंजाब से आया हूँ। भैया पंजाब से आए हैं, कैसा लगा कलेक्शन यहाँ का? बड़ा अच्छा है, मैं तो रूटीन में यहाँ पर आता हूँ, बहुत देर से आ रहा हूँ, यहाँ से परचेज कर रहा हूँ, उनका मटेरियल अच्छा होता है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, अच्छी है, ये हमें कस्टमाइज करके भी देते हैं। अच्छा, वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। वेरी गुड वेरी गुड। भैया तो फिर यहाँ के प्राइजेस वगैरह कैसे लगे आपको? प्राइजेस बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो इतनी दूर आते हैं, 600-650 किलोमीटर। देख लो भैया पंजाब से आए हैं, 650 किलोमीटर से भैया यहाँ राजस्थान आए हैं बैंगल्स खरीदने के लिए, और कलेक्शन आपको भैया ने बता ही दिया है कि कितना अच्छा कलेक्शन यहाँ का है। फ्यूचर में भैया किसी को रिकमेंड करेंगे ये शॉप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी है। हाँ। इनकी वैसे भी अच्छा है, मटेरियल भी अच्छा यूज करते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है, और ब्रास में इनकी स्पेशलिटी। अच्छा, ब्रास जो पंजाब में ज्यादा चलता है। थैंक यू भैया। फेस्टिव सीजन के साथ साथ ना वेडिंग सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, उसके हिसाब से कुछ कलेक्शन है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे वेडिंग मतलब शादियां चालू होने वाली है तो सुहाग चूड़ा भी सबसे ज्यादा डिमांड पे रहेगा, जैसे कांच और सुहाग चूड़ा। ठीक है, तो मैं आपको सुहाग चूड़े में आइटम दिखाता हूँ, पिछली वीडियो मैंने आपसे बोला था, और इस वीडियो में आपको डिजाइन दिखाता हूँ। हाँ। और आपको पता चल जाएगा हाँ कि जो कस्टमर जिनको माल चाहिए तो मैं दिखाया, तो ये डिजाइन मेरे पास अवेलेबल है, मैं कहीं और से लेकर आया हूँ। ठीक हाँ। है, आप मेरे से इसे कॉल करेंगे, आप मेरे पास विजिट करेंगे, पहली बात तो इसे मैं व्हाट्सएप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी इतना काम है कि इसके अंदर मैं आपको व्हाट्सएप वगैरह वीडियो कॉल पे डिजाइन दिखा पाऊँ। आप विजिट करेंगे, आप आगे देखेंगे कि हाँ वो डिजाइन जो आप किसी और से भी लेते थे और आप मुझसे लेंगे तो आपको रेट के अंदर ना करते मैं आपको बताऊँ, लमसम 150 रुपीज का फर्क आएगा ही आएगा चूड़े का। तो स्टार्टिंग प्राइस क्या हो जाती है यहाँ से? मेरे पास 130 रुपए से स्टार्टिंग है, एक इससे हल्का चूड़ा आता है वो 90 रुपए का, 85 रुपीज का। हाँ। वो मैं रखता नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग तभी 130 से कर रखी है। अच्छा, और जाते कहाँ तक है? 130 से लेके 130 से लेके तो बहुत ऊंचे तक जाता है चूड़ा, लगभग आपका चूड़ा 2500-3000-3500, ये होलसेल रेट बता रहा हूँ आपको, यहाँ तक जाता है चूड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो चलिए भैया आप थोड़ा सा वेडिंग कलेक्शन भी दिखा दीजिए। अब मैं आपको ना कुछ सुहाग चूड़े दिखा रही हूँ, यानी कि ब्राइडल चूड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आप आइटम देखिए, सब टोटली एडी में, स्टार्टिंग रेंज है ये। ठीक है, मैं आपको एडी में डिजाइन दिखाऊंगा, आप विजिट करेंगे आपको रेट भी बता दूंगा। अच्छा, ये टोटली मैं वो आइटम है दिखा रहा हूँ जो आपको सबके पास मिलेगी, टोटली हर किसी शॉप के पास जाओगे आपको मिलेगी वो आइटम है। ये देखिए आप आइटम देखिए, और इसकी पैकिंग भी ना बहुत ही अच्छी पैकिंग है इसकी, एकदम लग्जरी पैकिंग सी लग रही है, आप देख सकते हो अंदर पूरा साटन का ही इस तरह से पूरा पैक करके इन्होंने रखा हुआ है चूड़े को। और जैसे कि, और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसका डिज़ाइन भी दिखा देती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं क्वालिटी सबसे पहले मेंटेन करता हूँ,
तो ये मत सोचिए कि ये मैं हल्का दे रहा हूँ चूड़ा, तो इसके अंदर मैंने पट्टी हल्की लगाई होगी चुभने वाली, इसके अंदर चुभने वाली पट्टी भी नहीं है, 1000 नंबर पट्टी है। अच्छा। अभी आप डिजाइन देख सकते हैं एडी में, आपको और बहुत सारे डिजाइन है। अभी देखिए सबसे यूनिक डिजाइन है, बहुत प्यारा डिजाइन है ये, जो कस्टमर को बहुत पसंद आता है। ये देखिए ये सबसे ज़्यादा ऑनलाइन बिकता है, आप अमेजोन के ऊपर चेक करेंगे, इसका प्राइस मेरे हिसाब से शायद 2900 या 3200 अमेजोन पे है। बाकी आप रिटेल में पता करने जाएंगे तो आपको ये 2500 रुपये से कम कोई भी नहीं देगा, और होलसेल में भी आप पता करेंगे तो आपको लमसम में पड़ेगा लगभग आपके 800-850 रुपये का कोई देगा आपको डिज़ाइन, अगर इस बॉक्स के अंदर देंगे तो आप। अच्छा, और आप कितने का दोगे? मैं आपको, मैंने कहा मैं सबसे रीजनेबल रेट दूंगा, पूरी मार्केट, पूरा दिल्ली, पूरा जयपुर, आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, आप पता कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा चूड़ा अगेन। अब ये देख सकते हैं आप आइटम, एक सेकंड, ये देखिए आप आइटम देखिए आप, ये भी टोटल एडी है, ओरिजिनल एडी जो चूड़ा बोला जाता है वो ये चूड़े हैं। अच्छा अच्छा, अमृतसरी पट्टी के साथ। अच्छा अच्छा, और दिखा देता हूँ आपको डिजाइन। और मेरे यहाँ कस्टमर सबसे ज्यादा ना पैकिंग यही मांगता है। तो आप ये देख सकते हो, अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ इसके अंदर, इसका डिजाइन भी ना बहुत ही डिफरेंट सा है, बहुत ही अलग सा। भैया ये जो नग इसमें लगे हुए ये निकलते तो नहीं है? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं निकलते ये। अच्छा, क्योंकि कई बार साल, डेढ़ साल भी, सवा साल भी लोग पहनते हैं चूड़ा, स्टोन इतनी जल्दी नहीं निकलता है, चिपका हुआ होता है स्टोन। अच्छा, अब ये देखिए डिजाइन, ये भी टोटली एडी है, आप आइटम देख सकते हैं एडी के अंदर। ये देखिए मेरे यहाँ का सबसे ज्यादा चलने वाला चूड़ा है ये देखिए आइटम, और इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है भैया। ये सबसे ज्यादा चलता है चूड़ा और हर किसी को पसंद आता है ये पूरा का पूरा ना। ये ओरिजिनल एडी रिवर्स एडी है, ये जो रिवर्स एडी बोला जाता है। आपको यहाँ पे चूड़ा दो पैकिंग में अवेलेबल हो जाएगा, एक ये पैकिंग है और एक ये वाली पैकिंग है, लेकिन इन पैकिंग के ना दोनों के चार्जेस अलग अलग हैं, बस 10-5 रुपए का फर्क आता है। अब आप क्या दिखाओगे? मैं अब आपको कलीरे में रेंज दिखा देता हूँ, क्योंकि जब सुहाग चूड़ा चलेगा, शादियों का सीजन होगा, तो जाहिर सी बात है कलीरे भी चलेंगे, तो कलीरे में मेरे पास बहुत रेंज है, बहुत वेराइटीज है। कलीरे भी मेरे पास स्टार्टिंग आपके 30 रुपीज से स्टार्टिंग है मेरे पास कलीरे। अच्छा, मैं आपको कुछ वेराइटीज दिखा देता हूँ, सारी नहीं दिखा पाऊंगा, बट हाँ ये आपको कुछ दिखा दूँ, सबको नॉलेज हो जाएगी। मेरे पास हल्का भी और फैंसी भी और मीडियम रेंज तीनों मेरे पास अवेलेबल, और कलीरा भी सबसे सस्ता मैं आपको दूंगा। जैसे कि आप ये आइटम देख सकते हैं कलीरे में, इनमें हर किसी में कलर भी दो आते हैं, गोल्डन और रेड। अच्छा, अब जैसे ये रेड है, ये देखिए ये भी क्रिस्टल की आइटम है। अच्छा, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा डिमांड क्रिस्टल है, तो मैंने कलीरे के अंदर भी क्रिस्टल लगवा रखे हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। अब ये देखिए हल्के के अंदर आइटम देखिए, हल्के में मोती, छोटा क्रिस्टल। तो अगर आप ज़्यादा हैवी करीरे नहीं पहनना चाहते, कुछ हल्का पहनना चाहते हैं, तो ये उसके हिसाब से है। अब ये देखिए आइटम, ये भी बहुत फैंसी में आइटम आती है, अच्छी चलती है आइटम ये। और ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है भैया? कौन सा ये? हाँ, स्टोन। ये सारा स्टोन वर्क है इसके ऊपर, और ये देखिए सारा ये पर्ल वर्क है। ये देखिए इनकी सबकी टोटली कटोरी पे भी स्टोन लगे हुए हैं, ये देखिए मैंने आपको जितने भी डिजाइन दिखाए हैं सबकी कटोरी पे भी स्टोन्स हैं। और सब में कलर रेड और गोल्डन मिल जाएगा, कुछ कुछ डिजाइन्स होते हैं जिसके अंदर आपको कलर कम मिलते हैं। ये देखिए डिजाइन, ये देखिए जैसे गोल्डन हो गया ये, कस्टमर कहता है पत्रे वाला लाके दो, पत्रे वाला चाहिए, तो पत्रे वाला तो बहुत टाइम पहले चलता था, अब डिमांड खत्म हो गई पत्रे वाले की, तो पत्रे में इस टाइप का चलता है, तो पत्रे की जगह ये पत्ते आ गए ना भैया। जैसे कि ये देखिए मोती के अंदर आइटम है। अब जैसे मैंने उसमें दिखाया था आपको कि सारी टोटली जरकन है उसकी कटोरी के ऊपर जैसे, और इसकी कटोरी में आप देखेंगे तो ये देखिए मोती और जरकन दोनों है, क्योंकि ये मोती वाला डिजाइन है, सबसे ज्यादा आजकल चलने वाले डिजाइन है मोती वाले।
तो मोती वाले के अंदर मेरे पास बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। ये देखिए, जैसे ये बड़ी कटोरी हो गया, सिंगल कटोरी हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। ये देखिए आप आइटम देखिए, ये देखिए। और अगेन बहुत ब्यूटीफुल कलीरा, बहुत लाइट वेटेड, कुछ ज्यादा हैवी नहीं है, सारा का सारा पर्ल वर्क है इसके ऊपर भी। ये देखिए, अब इसकी कटोरी, अब ये देखिए, लोग कहते हैं कटोरी पे डिजाइन भी दीजिए, तो डिजाइन वाली कटोरी है, कटिंग वर्क में ना पूरा। हाँ जी बिल्कुल, कटिंग वर्क में ये आइटम देख लीजिए। इसी टाइप में आपको और डिजाइन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बहुत प्यारा कलीरा है, ये जैसे डोली वाला कलीरा होता है उसी टाइप में चलता है ये भी। अब इसकी कटोरी भी आप देखिए, कटिंग वाला डिजाइन है, वो भी लीफ वाला, हैवी से हैवी कलीरे भी मिल जाएंगे मेरे पास, हल्के से हल्के भी कलीरे मेरे पास मिल जाएंगे। जैसे हैवी में ये देखिए डिजाइन, जिसको पसंद होती है कि मतलब हमें लंबा बेचना है और हमारे पास अच्छे मतलब कस्टमर्स हैं जो मतलब हैवी खरीदते हैं, तो ये देखिए हैवी में भी क्रिस्टल डले हुए हैं, ये देख सकते हो आप, हार्ट शेप में इस तरह से क्रिस्टल इसके साथ अटैच है और पूरा इसके ऊपर ये पर्ल का काम है। और अगर आप इसकी कटोरी देखें तो इसके ऊपर भी स्टोन और स्टोन का काम है और पर्ल दोनों का काम है इसके ऊपर भी। ये देखिए, जैसे भी मैंने आपको कलीरा दिखाया था वो, अब ये वाला देखिए आप। बहुत सुंदर, ये देखिए कलीरा देखिए। अब इसके अंदर नीचे भी कटोरी है देखिए, सोबर में बहुत अच्छे अच्छे कलीरे भी है मेरे पास। अब कस्टमर्स को कुंदन के अंदर भी आइटम चाहिए होती है, अब ये देखिए कटोरी के ऊपर टोटली कुंदन वाली आइटम है, ये देख लीजिए पूरा कुंदन का काम है। और भैया अगर इस चीज को जैसे कलर थोड़ा कॉपर में आ रहा है, अगर कुछ गोल्डन या सिल्वर कराना चाहे वो कस्टमाइजेशन होगी क्या? वो बट आपकी क्वांटिटी ऑर्डर होगा तो बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये देखिए आइटम लेता हुआ चला जाएगा, बहुत ही प्यारी लगती है आइटम, ये देखिए बहुत लाइट वेटेड और बहुत ही सुंदर। राजस्थान बेंगल्स दिल्ली वालों का वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लेकर आती रहूंगी, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।